हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, जिन दोस्तों ने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है वो जाके चैनल पर वीडियो को देख लें। मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लीनियर इक्वालिटीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सबके वीडियो डाले हुए हैं, तो जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो जाके चैनल पर देख लें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम शुरू करते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले बाइनोमियल का क्या मतलब होता है, बाइनोमियल वर्ड का क्या मतलब होता है। तो बाइनोमियल वर्ड इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो, यानी कि दो एक्सप्रेशन विच कॉन्टेंट टू टर्म, पॉजिटिव और निगेटिव, विच कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ए प्लस 2b ले लीजिए, 1 प्लस x ले लीजिए, या फिर 2 प्लस 3x, कुछ भी, etc. तो बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले तो हम लोगों ने जाना कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम लोग क्लास 6-7 से पढ़ने लगते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल क्यूब, ये सब पढ़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ वैल्यूज, उसके बाद मैं आपको पास्कल ट्रायंगल पर लेके चलूंगा इसी के द्वारा। पहले आप देखिए, ए प्लस बी पर पावर 0 बराबर 1। दूसरा, ए प्लस बी पर पावर 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। तीसरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चौथा लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। और पांचवा, ए प्लस बी पे पावर 4 बराबर ए पर पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 a² b² प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी पे पावर 4। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, इन्हीं के द्वारा हम लोग पास्कल्स ट्रेंगल को भी आसानी से समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर था पहले केस में a प्लस बी पे पावर 0, इसको हम लोग इंडेक्स के भी नाम से जानते हैं। ये जो पावर रहता है इसको इंडेक्स के भी नाम से जानते हैं। तो a प्लस बी पे जब पावर 0 था तो 1 मिला हमको। फिर a प्लस बी पे पावर 1 आया तो हमें क्या मिला, a प्लस बी मिला। यानी कि यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पे कितने टर्म, एक टर्म, यहाँ पर कितने आए, 2। ए प्लस बी पे पावर 2 था तो कितने टर्म आए, 3। ए प्लस बी पे पावर 3 था तो कितने टर्म आए, 4। ए प्लस बी पे पावर 4 था तो कितने टर्म आए, 5। तो इससे हम लोग को ये बात पता चलता है कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो टोटल नंबर होगा उसके टर्म का, वह एक ज्यादा होगा उसके इंडेक्स से। एक ज्यादा होगा किससे, उसके इंडेक्स से एक ज्यादा होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 more than index, that is tn बराबर n plus 1। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं यहां लिख रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एक ज्यादा है इंडेक्स से। देखिए, जैसे कि मैंने आपको वही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर 0 था जब तो टर्म आया 1, फिर यहाँ पर इंडेक्स आपको 1 आया तो टर्म आ गया 2, यहाँ पर
इंडेक्स आपको कितना है, दो है, तो टर्म तीन, और इसी तरह सोन देख लीजिए कि थ्री है तो फोर आया, और फोर है तो टर्म आ गया आपको फाइव। तो पहला चीज हमको इससे ये पता चलता है, पहला चीज हमको इससे ये पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होता है वह एक ज्यादा होता है इंडेक्स से। अब दूसरा बात क्या पता चलता है इससे, दूसरा बात क्या पता चलता है, पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी ए इज डिक्रीजिंग बाय वन एंड सेकेंड क्वांटिटी बी इज इंक्रीजिंग बाय वन। कहने का यह मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वांटिटी का पावर जो है, फर्स्ट क्वांटिटी का जो पावर है ए, फर्स्ट क्वांटिटी क्या है ए, इसका पावर डिक्रीज होते जाता है एक एक करके, और सेकेंड क्वांटिटी बी का जो पावर है वह एक एक करके इंक्रीज हो जाता है अपने आगे के टर्म में। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो फर्स्ट क्वांटिटी ए था और सेकेंड क्वांटिटी क्या था, बी था। फर्स्ट क्वांटिटी ए और सेकेंड क्वांटिटी बी, तो फर्स्ट क्वांटिटी ए था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर टू है ए का, है बी का पावर कुछ नहीं, यानी कि बी का पावर जीरो है। उसके बाद फिर यहाँ पर ए का पावर उसके सक्सेसिव टर्म में एक घट गया, ए का पावर उसके सक्सेसिव टर्म में एक घट गया, यहाँ पे पावर टू था, यहाँ पे पावर वन हो गया, और बी का पावर यहाँ पे जीरो था, सो बढ़ के बी पे पावर वन हो गया। अब नेक्स्ट टर्म में ए का पावर फिर वन सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि ए पे पावर जीरो हो गया, तो इस टर्म में ए नहीं आया, और बी पे पावर एक बढ़ के टू आ गया। ठीक इसी तरह यहाँ पे ए पे पावर थ्री था, यहाँ पे पावर टू आ गया, यहाँ पे ए पे पावर वन, और यहाँ पे ए गायब हो गया। लेकिन बी पे देखिए यहाँ जीरो था, यहाँ वन आया, यहाँ टू आया, और यहाँ थ्री आया। इसी तरह सब में होता जाएगा, मतलब कि फर्स्ट क्वांटिटी जो है ए, उसका पावर एक एक करके डिक्रीज होते जाता है, और सेकेंड क्वांटिटी जो है बी, उसका पावर एक एक करके इंक्रीज हो जाता है अपने सक्सेसिव टर्म में। तो ये दो बातें पता चली। एक बात यहाँ से और पता चलता है, एक बात यहाँ से और पता चलता है कि इसका जो पावर का जो सम होगा, यानी कि इंडिसेज का जो सम होगा, जैसे कि इसको भी मैं लिख ही दे रहा हूं, इन ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन कॉमा सम ऑफ इंडिसेज, सम ऑफ इंडिसेज इज इक्वल टू, सम ऑफ इंडिसेज इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी। कहने का ये मतलब है कि एवरी टर्म में, यानी कि सभी टर्म में इंडिसेज का जो सम होगा वह इंडेक्स के सम के बराबर होगा। अब इंडिसेज का क्या सम है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ए और यहाँ पर ये जो पावर होता है उसको इंडेक्स कहेंगे, और ये ए और ये जो बी है ये हमारा इंडिसेज हो गया। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है इस बात से कि प्रत्येक टर्म में इंडिसेज का सम बराबर होता है इंडेक्स के सम के बराबर। कहने का ये मतलब कि यहाँ पे देखिए ए पे पावर कितना है थ्री, और बी पे पावर जीरो, तो यदि हम लोग इंडिसेज के सम को जोड़ेंगे, यानी कि थ्री प्लस जीरो करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और इंडेक्स का सम कितने के बराबर है, थ्री के बराबर है, यानी कि
ए प्लस बी का जो इंडेक्स होगा वह हमेशा इंडिसेज के सम के बराबर होगा। फिर यहाँ पे भी देखिए ए पे पावर टू और बी पे पावर वन, तो टू वन को जब हम लोग जोड़ेंगे तो थ्री आएगा, यहाँ पे भी थ्री आएगा और यहाँ पे भी थ्री आएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि इंडिसेज का जो सम है वह इक्वल होता है इंडेक्स के सम के बराबर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में कि पास्कल्स ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या होता है पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल जो है बेसिकली हम लोग को देता है कोफिशियंट। कोफिशियंट देने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पास्कल्स ट्रायंगल बनाऊंगा इंडिसेज और इंडेक्स और कोफिशियंट के अनुसार। जैसे कि टर्म हम लोग का था एक्स प्लस वाई, यहाँ पे मैं लिख दिया इंडेक्स और यहाँ पे आ गया आपको कोफिशियंट। इंडेक्स और कोफिशियंट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए x प्लस वाई था, जब इसका इंडेक्स यानी कि x प्लस वाई का जब पावर जीरो होगा, x प्लस वाई का जब पावर जीरो होगा तो यहाँ पे कोफिशियंट क्या होगा वन। अब x प्लस वाई पर पावर आ जाएगा आपको वन, यानी कि इंडेक्स जब वन हो गया तो कोफिशियंट आपको क्या हो गया वन और वन, ठीक है दोस्तों। कोफिशियंट क्या हो गया वन और वन। फिर x प्लस वाई, जैसे कि यहाँ पर देखिए x प्लस वाई पावर वन था तो इसका भी कोफिशियंट वन था और इसका भी कोफिशियंट क्या था वन था, तो दोनों का कोफिशियंट वन और वन के बराबर है। अब देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई पे पावर टू है, यानी कि इंडेक्स यदि टू हो जाएगा तो कोफिशियंट क्या हो जाएगा आपको वन टू और यहाँ पे फिर वन। फिर अब देखिए दोस्तों x प्लस वाई का जब कोफिशियंट सॉरी इंडेक्स थ्री होगा तो कोफिशियंट क्या होगा वन, तो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे टू आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे थ्री आएगा, टू नहीं आएगा, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी आपको थ्री ही आ जाएगा और यहाँ पे आपको फिर वन आ जाएगा। फिर जब x प्लस वाई पे पावर फोर हो जाएगा तो ये वन थ्री हो गया आपको फोर, तो पहले वन फिर फोर, फिर ये थ्री थ्री हो जाएगा सिक्स, फिर ये थ्री वन फोर और फिर लास्ट में वन, यानी कि वन फोर सिक्स फोर। तो इस तरह आप लोगों ने देखा दोस्तों कि जब पावर जीरो था तो कोफिशियंट वन था, क्योंकि यहाँ पे भी है जब पावर जीरो था तो कोफिशियंट सिर्फ वन था, जब पावर वन आया तो कोफिशियंट दोनों टर्म का वन वन आ गया, देखिए वन और वन। फिर जब पावर टू आया तो वन टू और वन आया, देखिए यहाँ पे वन यहाँ पर टू और फिर यहाँ पर वन। फिर जब पावर थ्री हुआ तो कोफिशियंट हो गया वन थ्री थ्री वन, तो वन थ्री थ्री और वन। फिर जब पावर आपको फोर आया तो कोफिशियंट आया वन फोर सिक्स फोर वन, तो देखिए दोस्तों वन फोर सिक्स फोर वन। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि बाइनोमियल थ्योरम में बेसिकली हम लोग को कॉम्बिनेशन का बहुत यूज करना पड़ता है। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है इसका बेसिकली क्या क्या फॉर्मूला होता है, किस किस कॉम्बिनेशन को किस तरह से इसमें लगाते हैं कि ये सॉल्व होता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई बाइनोमियल थ्योरम है जो कि a प्लस बी पे पावर n है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले तीन चार फॉर्मूलाज आने जरूरी हैं। देखिए जैसे कि कॉम्बिनेशन में हम लोग को फॉर्मूला होता था एन सी आर, ये वाला फॉर्मूला दैट इज n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल और इंटू r फैक्टोरियल, तो ये फॉर्मूला है एक दोस्तों
एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, पहला ये फॉर्मूला। उसके बाद एन सी एन बराबर वन, ये दूसरा, और एन सी जीरो बराबर वन, ये तीसरा, और एक और एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर। ये जो चार फॉर्मूलाज हैं, इन चारों को आपको हमेशा रखना होगा ध्यान में। यदि आपको ये चारों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं ध्यान में रहेगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे a प्लस बी पे पावर n को लिखा कैसे जाएगा। तो a प्लस बी पे पावर जब n रहेगा तो इसको हम लोग लिखते हैं एन सी जीरो ए पर पावर एन प्लस एन सी वन ए पर पावर एन माइनस वन बी पे पावर वन प्लस एन एन सी टू ए पर पावर एन माइनस टू बी पे पावर टू, फिर इसी तरह सो ऑन एन सी एन ए पर पावर एन ए पर पावर एन माइनस एन, यानी कि ए खत्म हो जाएगा यहाँ पर और बी पर पावर आ जाएगा एन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पहले में एन सी जीरो ए पर पावर एन बी पर पावर, या तो आप लिखें जीरो, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बी पर पावर जीरो। फिर दूसरे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके बाद फिर a पर पावर फर्स्ट क्वांटिटी से पावर घटने लगता है और सेकेंड क्वांटिटी पे पावर बढ़ने लगता है, तो यहाँ पे a पे पावर बढ़ घट के n में से एक घट जाएगा और b पे पावर एक आ जाएगा। फिर यहाँ वहीं अगले टर्म में a से दो घट जाएगा और b पे पावर दो आ जाएगा। इसी तरह जितना टर्म होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहां तक लेके जाना होगा। तो आपको बस ये चारों फॉर्मूलाज को याद एनी टाइम रखना है, तब आपको बाइनोमियल थ्योरम बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि आपको इसमें से कोई भी फॉर्मूला में नहीं याद यदि रहा तो फिर दिक्कत हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई पर पावर फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई पर पावर फाइव। तो अब देखिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी पे पावर n, तो a हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और b हो गया टू वाई। तो पहले हो जाएगा एन सी जीरो यानी कि फाइव सी जीरो और a पर पावर n यानी कि एक्स स्क्वायर पे पावर हो जाएगा 5 प्लस 5c1, अब a पर पावर n माइनस वन हो जाएगा यानी कि x स्क्वायर पे पावर हो जाएगा 4, x स्क्वायर पे पावर हो जाएगा 4 और b पर पावर हो जाएगा आपको यानी कि 2y, 2y ही रह जाएगा। फिर आपको आ जाएगा nc यानी कि 5c2 और a पर पावर यानी कि x स्क्वायर पे पावर आ जाएगा 3 और 2y पे पावर आ जाएगा 2, फिर 5c3 x स्क्वायर पे पावर 2 और 2y पर पावर 3, फिर 5c4 x स्क्वायर पे पावर 1 और इंटू टू वाई पर पावर फोर, फिर फाइव सी फाइव और एक्स स्क्वायर पे पावर हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे घट के लास्ट में जीरो आएगा और उसके बाद टू वाई पर पावर आपको आ जाएगा फाइव। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि मैंने आपको ये वाला फार्मूला बताया था एन सी आर को कैसे हम लोग निकालते हैं एन फैक्टोरियल, तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो ऐसे हम लोग को पता है कि 5c0 यानी कि nc0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5c0 है यानी कि 1 और इनटू x पे पावर 2 इनटू 5, तो x पे पावर क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा x पे पावर 10। उसके बाद फिर 5c1 है, 5c1 है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल
बाय 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल और इनटू 1 का फैक्टोरियल और इनटू x स्क्वायर पे पावर 4 है तो x पे पावर 8 हो जाएगा और इनटू 2y हो जाएगा। इसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में पूरा तोड़-तोड़ के सीरियल वाइज दिखा रहा हूं। फिर यहां पे 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल और इनटू 2 का फैक्टोरियल और इनटू हो जाएगा x पे पावर 6 और इनटू 4y स्क्वायर। फिर आगे इसी को जब सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और इनटू 3 फैक्टोरियल और इनटू हो जाएगा यहां x स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि x पे पावर 4 और 2y पे पावर 3 है तो इनटू 8y क्यूब। फिर यहां आ जाइए प्लस 5c4 है, 5c4 है तो 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल और इनटू 1 का फैक्टोरियल और प्लस x स्क्वायर पे सॉरी इनटू x स्क्वायर पे पावर 1 है तो x स्क्वायर और इनटू 2y पे पावर 4 है तो 16y पे पावर 4 प्लस 5c5 है तो NCN का वैल्यू क्या होता है 1 होता है तो 1 इनटू x स्क्वायर पे पावर 0 है तो जब किसी पे पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है और इनटू 2y पे पावर 5 यानी कि 32y पे पावर 5। अब हम लोग यदि इसको यदि सॉल्व करें तो क्या होगा x पे पावर 10 प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 1 इनटू 2x पे पावर 8y प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल और इनटू 4x पे पावर 6y स्क्वायर प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल और इनटू 8x पे पावर 4y पे पावर 3 प्लस 5 फैक्टोरियल बाय यहां पे 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल रह जाएगा सीधे 1 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 4 होगा तो 1 फैक्टोरियल और इनटू आपको 1 फैक्टोरियल सीधे हो जाएगा और यहां पर आपको 16x स्क्वायर y पे पावर 4 और फिर यहां पर आपको 32y पे पावर आ जाएगा 5। अब देखिए दोस्तों x पे पावर यहां था आपको 10 और जब ये 5 फैक्टोरियल है तो 5 इनटू 4 का फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल और इनटू 2 x 8y प्लस 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 इनटू 4 और इनटू 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल इनटू 2 इनटू 1 4 x 6 y 2 प्लस 5 फैक्टोरियल इनटू 2 इनटू 1 और इनटू 5 को फैक्टोरियल को तोड़ दे तो 5 इनटू 4 इनटू 3 फैक्टोरियल और इनटू यहां पे भी 3 फैक्टोरियल 8x पे पावर 4 y पे पावर 3 प्लस अब यहां 5 फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल है तो यहां पे ये 1 का फैक्टोरियल हो गया है। क्या हो गया दोस्तों 1 का फैक्टोरियल हो गया है तो इसके लिए सीधा ये 5 फैक्टोरियल में ही रह जाएगा और इनटू 16x स्क्वायर y पे पावर 4 हो जाएगा और प्लस 32y पे पावर 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यहां तक क्लियर। यहां पर आपको 4 फैक्टोरियल है तो 5 इनटू 4 फैक्टोरियल बाय 1 इनटू 4 फैक्टोरियल तो अब देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया 3 फैक्टोरियल से 3 2 से यहां पे आ गया 2 अब 2 से 4 काटेंगे तो 2 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो अब मैं आपको यहां लेके आ रहा हूं। देखिए अब लिखेंगे क्या x पे पावर 10 प्लस अब देखिए 5 into 2 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया बचा गया 5 into 2 तो 10 x to the power 8y प्लस अब देखिए दोस्तों 5 into 2 into 4 तो 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40
तो 40 x पे पावर 6 y पे पावर 2 प्लस, अब देखिए 5 2 जा 10 और 10 8 जा 80, 80 y पे पावर सॉरी x पे पावर कितना हो जाएगा 4 और y पे पावर 3। अब देखिए फिर हमारे ये प्लस, अब 5 16 जा तो 16 5 जा कितना हो जाएगा 80 x पे पावर 4 y पे पावर 3 और प्लस यहाँ पे 32 y पे पावर 5। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे किस किस फॉर्मूला का यूज हुआ, देखिए यहाँ पे nc0 का यूज हो गया, बराबर 1 था तो हम लोगों ने सीधे पुट कर दिया 1। यहाँ पे ncn का यूज भी हो गया, 1 आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो उसका तो आपको सभी जगह यूज दिख ही रहा है। और अब ये चौथा फॉर्मूला है ncr बराबर ncn माइनस r। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जब आप देखेंगे ये वाला है 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे उसी चीज को कि 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल बाय, यहां से समझिए 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 1, और यहां पे भी 5 फैक्टोरियल बाय 1 इनटू 4 फैक्टोरियल, तो ये दोनों सेम आ गया। फिर यहां पर ये वाला और ये वाला देखिए दोनों सेम आ गया, यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि पहला टर्म और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वह सेम होगा। उसके बाद आपको ये दूसरा टर्म और चौथा टर्म का कोफिशिएंट सेम हो गया, तीसरा और चौथा टर्म का कोफिशिएंट सेम हो गया, और इसमें कितने टर्म आए टोटल 6, टोटल टर्म कितने आए 6। अब देखिए कि आप कब कहेंगे कि यहाँ पे 10 है यहाँ पे 80 है तो कोफिशिएंट सेम कैसे होगा, वो कोफिशिएंट इसके लिए यहाँ पर 10 और 80 आ गया क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे सिर्फ 2y है जबकि यहाँ पर 16 है, तो इसके कारण ये चेंज हो गया। लेकिन जब आप इसको देखेंगे यानी कि c कॉम्बिनेशन वाले टर्म को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये और ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो इसीलिए ये हम लोग को बराबर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।